हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो मेरा नाम है नीरज शर्मा। जैसे कि आज आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम दिखाने वाले हैं जैक लगाने का सबसे सही तरीका। तो हमारे पास है टाटा पंच, तो सभी गाड़ियों में लगभग एक जैसा ही जैक लगता है, पर किसी किसी में स्पेस दी होती है, किसी में मतलब नहीं दी होती स्पेस, तो सभी में दी होती है, सॉरी मैं कहूँगा किसी में लोगो दिया होता है यहाँ पे लगाओ, किसी में नहीं दिया होता। तो ये हमारे पीछे किट पड़ी है, तो हम लगा के दिखाएंगे आपको कैसे सही तरीका है जैक लगाने का। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये टूल किट है, जो भी इसमें टूल्स पड़े हैं। और वैसे हर गाड़ी में, बाकी सब गाड़ियों की बात की जाए जो अब नई आ रही है, उनमें शायद से ये दिया होगा। यहाँ पे ये यहाँ पे निशान दिया है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैक अगर आपको, मतलब आपका टायर अगर आपको चेंज करना है, तो अगर कोई भी आपका टायर पंचर किसी भी हालात में हो जाता है, तो आपको यहाँ से, मतलब यहाँ पे जैक लगाना है, क्योंकि ये अलग से एक, मतलब गाड़ी में एक छोटी सी जगह दी गई है इसके नीचे, तो वहाँ पे। तो बाकी मूवन गाड़ियों में आपको पीछे से भी जहाँ मर्जी से आप गाड़ी उठा सकते हो, पर इसमें ये है। तो ये हमारे पास टूल हैं, जो भी जैक लगाने के लिए, इसको घुमाने के लिए जो भी हमारे पास टूल पड़े हैं, ये सारे, और ये सारे जो भी इसके टूल्स हैं, और ये मैं जैक इसमें से निकालूंगा, जो भी टूल किट है हमारे पास। ये थोड़ा चारकोल का फ्रेम दिया है इन्होंने, लेकिन इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाता है, ये तो ईजिली फिट है ये, लेकिन ये आपके सामने मैंने इसको निकाल लिया। तो ये है हमारा जैक, जिसको हम यूँ रखेंगे, और फिर इसके नीचे, मतलब जो भी है, हम इसको लगाएंगे गाड़ी के नीचे। तो आपको पहले ये नहीं यूज़ करना है, इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा, तो ये इस तरह से डिसलोकेट हो जाएगा, और जैक जहाँ पर लगाना है, जिस जगह पर, उस जगह पर नहीं लग पाएगा। तो हम इसलिए ईजी क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका इसका क्या है, कि आप इसको पहले हाथों से घुमाइए, ताकि ये नीचे फिट हो जाए अच्छी, उसी जगह पर सेट हो जाए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये बराबर उसी जगह पे जा रहा है, और एक बार फिट होने के बाद आप इसको फर्दर जो है वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये घुमाना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब ये उठा रहा है, तो ये लग चुका है सही जगह पे, जो इन्होंने जगह हमें बताई है, ये अच्छे से फिट हो चुका है। अब आप इन टूल्स का जो कि है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले नंबर आप इसको इस तरह से, किसी भी तरह से आप इसको सेट कीजिए, फिर आपके पास ये दूसरी टूल किट है, तो इसको आप यूँ कीजिए, और अब आप इसको घुमाना शुरू कीजिए, ये देखिए। और आप देख सकते हैं थोड़ी गाड़ी जो है, अब आप देख सकते हैं जो कि टायर है, ये फ्लोटिंग पोजीशन में आ चुका है। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये देखिए इजीली घूम रहा है दोनों साइड। तो अब ये थोड़ा फ्रीली इसलिए हो रहा है, क्योंकि वेट जो है ऊपर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस पर, तो ये तभी इसको घुमाना इस तरफ से आसान है। तो मैं इसको आसानी से जो कि है नीचे ला दूँगा, और फिर हम अपना जैक जो है वो रिमूव करके उसको, और गाड़ी को नीचे रख सकते हैं। तो आप टायर को भी देखिए, टायर की आवाज़ आएगी आपको, मैं आपको थोड़ा एक डेमो के लिए दिखाता हूँ। और ये इजली घूम रहा है बिल्कुल, और ये बिल्कुल जो गाड़ी के टायर हैं वो ज़मीन पे आ चुके हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल ये कांटेक्ट में, अभी सरफेस के कांटेक्ट में है टायर। तो अब तो बहुत फ्रीली हो चुका है। अब तो मैं आपको दिखाऊं कि इसको यूँ घुमा दीजिए, और ये मेरे ख्याल से चेक, ये आहिस्ता से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आड़ा हुआ है। तो इस टूल किट में आप एक और चीज़ देख सकते हैं, एक जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट जो भी कह लो आप, इसे टूल कह लो, ये हमने आपको बताया नहीं कि इसका क्या, मतलब यूज़ क्या है इसका। तो ये बेसिकली टो करने के लिए होता है, आगे एक छोटा सा, मतलब जो भी है गाड़ी को टो करने के लिए छोटा सा, जैसे यहाँ पे मार्क दिया गया, उसमें से एक हुक जैसी बाहर आती है, आप उसको एंगेज करके उसे, और फिर आप अपनी गाड़ी को आसानी से टो कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो अभी मैं इसको वापस अपनी इनकी पोजीशन पर रख दूँगा, तो आप इसको ईजिली रखें, क्योंकि ये चारकोल का फ्रेम है, तो अगर आप थोड़ी, मतलब इसके साथ हार्ड जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से, ये देखिए ये फिट नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा खोलूँगा यहाँ, तो इसको घुमा के थोड़ा फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको सेट कीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं ये ईजिली इसके अंदर चला जाएगा थोड़ा सा, और ये देखिए ईजिली फिट हो गया।
इसके बाद जो भी इसके बाकी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं सॉरी मैं इसको इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो भी इसके पाने हैं, ये शायद से एक इस तरह से ये फिट कर दिया, और दूसरा जो है ये इस तरह से, नहीं उल्टा उल्टा ऐसे ही है। अबे उसको उल्टा करा, थोड़ा आगे लाना, मेरी साइड लाना। अबे इसको लाना इधर, इसको इधर से फिट कर, तो आप इसको इजीली फिट करके, और ये सारा कुछ टाटा की जो भी टूल्स देते हैं ये बंद करो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, जो कि हमने आपको बताया जैक कैसे लगाते हैं, और ये थोड़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जो कि आप सभी को देखनी चाहिए, ज़रूरी है, और उनके साथ शेयर कीजिए जिनको ये चीज़ नहीं आती। जो नए हैं, बिगिनर्स हैं गाड़ी चलाने में जो भी है, तो आप उनको भेज सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक आसान तरीका है, और आपको काफ़ी अच्छे टूल्स वगैरह दिए गए हैं टाटा की तरफ से। जिनके पास भी टाटा की कोई भी कार है वो इजीली इस चीज़ को लगा सकते हैं। और वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो गाइज़ आप लोग सेफ़ रहिए, और अच्छे से जो भी मतलब अपने साथ सेफ्टी फ़ीचर्स जो भी आपको दिए गए हैं टाटा की तरफ से, वो लेके चलिए अपने साथ, ताकि आपको किसी भी कोई भी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े अगर आप लॉन्ग ट्रैक पे हैं, कहीं भी जाते हैं। तो चलिए, बाय बाय और जय हिंद गाइज़।